नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद उस पर पाम का एनालिस करते हुए लव लाइफ, बिजनेस, जॉब, इन सबसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो एक प्रकार के अच्छे हार्ड वर्किंग नेचर को बताता है। ऐसे लोग हर काम को जो ठानते हैं वो करके ही दिखा देने वाली प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यानी जिद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि जो भी इनका वर्क रहेगा या जो भी इनकी चाहत रहेगी, उसमें शाम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ करके अपना जैसे भी करके काम निकलवाएंगे। तो इस प्रकार की जो है नेचर देखने के कारण जो भी इनके थॉट्स रहेंगे या एम रहेगा वो पूरे के पूरे अचीव हो जाने वाले रहेंगे। तो फिंगर जो है यहाँ पर आपका अच्छा है और लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुँच रही है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, यानी अपनी बात को बड़ी ही सरलता व आसानी से दूसरों के सामने रखने वाले रहेंगे। किसी भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मार्केटिंग स्किल इस कारण से अच्छा होता है, तो बिजनेस के लिए अच्छा इंडिकेशन है। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा है, जिसके कारण ये सन की क्वालिटीज़ को बढ़ा देता है। सन की क्वालिटीज़ होती हैं आपकी रॉयल्टी, क्रिएटिविटी या कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटी, नेम फेम मिलने के योग आपके ज़्यादा रहेंगे, साथ ही साथ समाज में स्टेटस आपका अच्छा रहेगा। एक प्रकार का हिम्मती स्वभाव यानी रिस्क टेकिंग नेचर आपका है। रिस्क लेने से कभी भी लाइफ में आप पीछे नहीं हटेंगे और बड़े से बड़ा गेम अपने दम पर खेल जाएंगे। फिंगर के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखा देखने को मिल रही है, जो अच्छे फ्रेंडली नेचर को यहाँ पर बताता है। और थोड़ी सी यहाँ बारीकी से देखें तो आड़ी रेखा भी मौजूद है, जो रिलेशन में एक प्रकार से होने वाले अनबन एवं मतभेद के युगों को या थोड़ी दूरी को बताता है। इसका मतलब यह रहता है कि आपका मित्रतापूर्वक स्वभाव है, यानी आपको लोगों के साथ पसंद है, लेकिन लोगों से ज़्यादा अटैचमेंट या ज़्यादा चिपका चुपकी आपको पसंद नहीं रहेगा। थोड़ा डिस्टेंस में ही रहना और अपने आप पर फोकस देना, इस प्रकार का नेचर निकल रहा है। यहाँ पर गुरु की फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, तो फैमिली की तरफ से सुख में भी बढ़ोतरी होती है। और ओवरऑल देखा जाए तो थंब का साइज़ यहाँ पर जो एक प्रकार से कर्व लिया, तो ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर दे देगा आपको। कॉम्प्रोमाइज़ आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आगे चल करके अच्छे से कर लेंगे, तो ये मैनेजमेंट स्किल को और ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी बिज़नेस के लिए बहुत बेस्ट इंडिकेशन है। ये वो साइन है आपके थंब पे, इट मीन्स कि आपके अंदर ग्रेस्पिंग स्किल अच्छा है, कोई भी नई चीज़ आप जल्दी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही साथ एक प्रकार का सिक्स्थ सेंस भी आपके अंदर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, यानी इंट्यूशन पावर। मेडिटेशन आप जितना ज़्यादा करेंगे लाइफ में उतने ज़्यादा आप क्लियर होते जाएंगे, फोकस्ड होते जाएंगे और इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होता जाएगा। पहले पर्व के लिए लेंथ ठीक है, तो विल पावर नॉर्मल है। सेकंड पर्व अच्छा है, तो इस कारण से लॉजिकल नेचर आपका रहेगा। पीछे एक और बेंड भी हो रहा है थंब, तो फ्लेक्सिबिलिटी को इंडिकेट करता है, जो आने वाले टाइम में अच्छी खासी हो जाएगी। पाम का साइज प्योर यहाँ पर स्क्वायरिश है, जो कि हार्डवर्किंग नेचर को यहाँ पर बताता है। कोई भी काम करने के लिए इंस्पिरेशन मोटिवेशन ठीक रहेगा आपके अंदर, प्लानिंग ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन एक्शन डायरेक्ट ले लेंगे, इस प्रकार का नेचर आपका रहेगा। तो अब यहाँ पर सबसे मेन जो क्वेरी है उसको पहले कवर करते हैं, बिजनेस या जॉब। तो देखिए, आपके हाथ में नीचे का जो भाग है ये अत्यधिक उभरा हुआ, जब ये शुक्र और चंद्र का एरिया, ये शुक्र चंद्र यही चाहते हैं कि व्यक्ति इंडिपेंडेंट वर्क करे। जब इस प्रकार के योग बनता है तो आप जैसे लोग किसी के अंडर में कंफर्टेबल नहीं रह पाते, तो यही रीज़न है कि जॉब के प्रति ज़्यादा सेटिस्फाइड आप लाइफ में नहीं रहेंगे। अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप कर लें, बिजनेस कर लें या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लें, उसमें बहुत ज़्यादा आप जो है खुश रह पाएंगे। तो जो हॉबी है आपका, जो भी, उसको पैशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ऊपरी भाग है वो थोड़ा सा कम यहाँ विकसित है। जब ऊपरी भाग कम विकसित होता है तो एक प्रकार से जो जॉब के लिए क्वालिटीज़ चाहिए होती है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है, यानी जॉब तो आप कर लेंगे लेकिन एक प्रकार से अनसेटिस्फेक्शन या अनस्टेबिलिटी आपको रहेगा। सूर्य माउंट पर आते हैं तो सूर्य रेखा इस प्रकार से आपकी निकली हुई है, ब्रेक हुई है बीच में, एक रेखा इस प्रकार से काटी है, उसके ऊपर शाखा निकल के फिर आपके बुध और सूर्य पर्वत के बीच में चल गया है। पिता से रिलेशन में ज़्यादा आपके मतभेद नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसी रेखाओं वालों के देखने को मिलता है कि पिता से कुछ ना कुछ अनबन मतभेद दूरी हो जाती है, लेकिन ये जो रेखा बीच में पहले ही रुक गई है तो इस कारण से ज़्यादा ट्रबल नहीं रहेगा, लेकिन तब भी
पढ़ाई में थोड़ी सी बाधा हम कह सकते हैं आ सकती है, या फिर थोड़ा पिता से दूर जाना पड़ सकता है आपको, दूर आपका सेटलमेंट हो सकता है। अदरवाइज अंदर की ओर जो रेखा झुकी है यहाँ पर और यश साइन क्रिएट इस प्रकार से हो रहा है, तो इस कारण लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होंगे, प्रॉपर्टी भी आपकी अच्छी होगी और नेम फेम भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। देखिए सीधी खड़ी रेखा तीन है, तो तीन से ज़्यादा माध्यमों से आपके अर्निंग के भी चांसेस ब्राइट है। तो सूर्य अमाउंट कुल मिलाकर के ठीक है, आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। इसके बाद शनि पर आते हैं, तो शनि रेखा आप देखेंगे तो शनि रेखा आपको धुंधली मिलेगी, प्रॉपरली है ही नहीं, ये शनि रेखा जो प्रोमिनेंट नहीं हुई है। फिर चंद्र की रेखा भी यहाँ चल रही है, जो बर्थ प्लेस से दूर प्रोग्रेस को, मदर से अच्छे अटैचमेंट को, शादी के बाद अच्छे प्रोग्रेस को, मन की ज़्यादा सुनना, मन की ज़्यादा करना, फॉरेन से अर्निंग को इंडिकेट करता है। ये जो रेखा है शनि की रेखा जो प्रोमिनेंट हो रही है, ये 35 एज के बाद में हो रही है, और उसके बाद भी प्रॉपरली शनि तक नहीं पहुंची, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहेगा। आपके पास सब चीज़ होते हुए भी आपको लगेगा कि कम है और ज़्यादा चाहिए, और जो है प्रयास करना चाहिए, इस प्रकार का नेचर रहता है। तो शनि जब इस प्रकार से टूटा, यानी शनि रेखा इस प्रकार से टूटी हुई हो, तो स्टेबिलिटी करियर में नहीं रह पाता है, डिफरेंस होते रहता है, करियर में चेंजेस अडॉप्ट होते रहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर अर्निंग में भी चेंजेस होंगे। मरकरी की बात करें तो मरकरी माउंट इतना ज़्यादा हालांकि विकसित नहीं है, थोड़ा सा बीच में दब गया, जो बताता है कि मन के अंदर बातों को आप दबा लेंगे अधिकतर। और यहाँ पर जो एक से अत्यधिक रेखा इस प्रकार की है, थोड़ी सी ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई है ये, लेकिन ये एक प्रकार का मेडिकल सिग्माटा साइन क्रिएट करता है, जिसका मतलब ये होता है कि आप जैसे लोग मेडिकल लाइन में या फिर बिजनेस लाइन में या एक प्रकार से बहुत अच्छे हीलर लाइन में आप जा सकते हैं, आप अपने बोली का खाने वाले रहेंगे, आपकी बोली इतनी मधुर रहेगी या इस एक प्रकार से आकर्षित करने वाली रहेगी कि दूसरे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करेंगे आपके प्रति, और आपसे बंधे भी रहेंगे, वो आपको सुनना पसंद करेंगे। बहुत सारे ऐसे योग बनेंगे कि लोग आपके पास प्रॉब्लम लेकर के आएंगे, सॉल्यूशन मिले या ना मिले, बस वो आपसे कह देंगे, उनको आराम मिल जाएगा। तो ये बुध वाले लोगों में यही खासियत होती है, और बुध की रेखा भी यहाँ पर आपकी चल रही है, ओवरलैपिंग हुई है, तो एक प्रकार से ये आपके हेल्थ के बारे में भी इंडिकेट करती है। तो हेल्थ में डाइजेशन से रिलेटेड आपको ट्रबल हो सकता है, अदरवाइज कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। बिजनेस की लक से देखें तो मैनेजरियल स्किल आपका अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, और ये रेखा चल के आगे और स्ट्रांग होगी, तो ये जो मरकरी लाइन है वो बहुत स्ट्रांग है, तो इस कारण से बिजनेस में आपके जाने के योग और प्रोग्रेस के मेनली योग अच्छे हैं। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल हैंड के एनालिसिस पे, तो गुरु से स्टार्ट करते हैं। तो गुरु माउंट कंपेरेटिवली नॉर्मल एरिया यहाँ पर ले रहा है, और लाइफ लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली है, तो एक प्रकार का एम्बिशियस नेचर यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसके अलावा शनि पर आते हैं, तो शनि पर सहयोगी जो आपकी हृदय रेखा है वो गुरु से कनेक्टेड है, जो एक प्रकार की इमोशनल नेचर को बता रही है कि थोड़े से भावुक भी आप आगे चल करके होने वाले रहेंगे, और यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा मूड स्विंग का आपको इशू हो सकता है, क्योंकि गर्डल ऑफ वीनस की आकृति यहाँ पर बन रही है, तो मूड में बार बार जो है चेंजेस होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है मूड ज़्यादा। इसके बाद हृदय रेखा पर आपके आते हैं, तो हृदय रेखा में आप देख पाएंगे कि ऊपर की ओर इस प्रकार की रेखाएं चल रही, तो थोड़ा फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को ये इंडिकेट करता है। अदरवाइज यहाँ देखें तो ये हृदय रेखा इस प्रकार से आई है, 25 एज के बाद में इमोशंस फीलिंग्स में आपके बहुत चेंजेस आने वाला रहेगा, और नीचे की ओर जाने वाली रेखा यही इंडिकेट करती है कि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा लगा सकते हैं, दूसरे एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतरे आप, प्रॉब्लम किसको होगी, आपको। तो थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखें, और किसी को पैसा अगर उधार देंगे तो फिर ले पाने में भी आप सक्षम नहीं हो पाते, बोल नहीं पाते, तो ये भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये हृदय रेखा एकदम सीधे गई है, तो ये अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये कार्य के प्रति अच्छी एकाग्रता को व्यक्त करता है, जो भी आप काम करेंगे बहुत शिद्दत के साथ करने वाले रहेंगे और फोकस्ड इंसान रहेंगे, फैमिली को थोड़ा सा कम कहीं ना कहीं समय देंगे, लेकिन अपने काम को ज़्यादा जो है प्रेफरेंस देंगे, तो इस प्रकार के हार्ट लाइन लाइफ में प्रोग्रेस अच्छी दिला देती है। और जहाँ तक इमोशनल की बात है तो वो आप होंगे, क्योंकि शादी के बाद इस प्रकार के योग जो है बहुत ज़्यादा देखने को बोलते हैं, इमोशंस फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा यहीं से माइंड लाइन आपकी निकली हुई जो सीधे ऊपर की ओर उड़ गई है, फिर सहयोगी माइंड लाइन इसी के बाद से चल रही है, तो माइंड लाइन में भी चेंजेस होता है, तो इस कारण से जो डिसीजन मेकिंग स्किल है सबसे पहले उसमें चेंजेस होता है, स्टडी प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो उसमें चेंजेस होता है, सोचने समझने या कोई काम करने की प्रवृत्ति में चेंजेस होता है। तो ये जो चेंजेस है आपकी लाइफ में बेसिकली 35
एट एज के बाद में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 38 एज के बाद आप और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, और ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, यानी सीधे रूप से बातचीत करना, बोलना और इस प्रकार का नेचर आपका हो जाएगा, यानी माइंड में और स्ट्रॉन्ग चेंजेस 38 समथिंग एज के बाद में होगा। अदरवाइज माइंड अगर ओवरऑल देखा जाए बहुत अच्छा है, प्रोग्रेसिव माइंड है, ऊपर की ओर उठना एक प्रकार से अपने आप में पॉजिटिव इंडिकेशन होता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने खुद के निर्णय के कारण लाइफ में प्रोग्रेस कहीं ना कहीं कर लेता है, या फिर कहीं ना कहीं काम जो है जैसा फिंगर के अकॉर्डिंग भी दिख रहा था निकलवा लेने की प्रवृत्ति ठीक रहती है। अब जैसे यहाँ पर आपके माइंड लाइन लाइफ लाइन में चेंज जस्ट जो है बहुत जल्दी आ गया है, डिवाइड जल्दी हुआ, तो ये एक इंडिपेंडेंट नेचर को भी बताता है कि कभी भी किसी के अंडर में कंफर्टेबल नहीं रहे हैं आप, और एक प्रकार के ओपन माइंडेड पर्सन भी हैं आप। ज़िद्दीपन भी इस कारण से आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, अपने ज़िद्द की पूरी करेंगे आप जो भी बात है, और यहाँ आपके लाइफ लाइन में भी चेंजेस जो है अच्छे हो रहे हैं, या जो ओवरलैपिंग होती है तो इस कारण से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, इन सब चीज़ों में चेंजेस को ये प्रेडिक्ट यहाँ पर करता है, बताता है। और ये जो उम्र है ये तकरीबन 30 से 32 के बीच में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसके बाद में बाहर की ओर भी देखा जा रही है तो फॉरेन ट्रेवलिंग चांसेस भी आपके उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट रहने वाले हैं। प्रोग्रेस लाइन भी निकली है तो 32 के एज के बाद में लाइफ में सडन गेन, वेल्थ, प्रोग्रेस, सारी चीज़ें होंगी। तो अप्रोक्सीमेटली 35 के एज तक आते आते आपको लाइफ में सब चीज़ मिलेगा, पूरी लग्जीरियस लाइफ है आपकी, क्योंकि उसके बाद से लाइफ लाइन पूरी स्मूथ हो गई है और इस प्रकार से डिवाइडेड भी हुई है केतु माउंट के ऊपर। और इस प्रकार से देखा जाए तो फिश सिंबल भी क्रिएट है, एक तो लाइफ लाइन डिवाइड प्लस फिश सिंबल, ये आपको बर्थ प्लेस से दूर 100% लेकर के जाने वाला रहेगा, और बर्थ प्लेस से दूर ही आपका सक्सेस, ग्रोथ, सारी चीज़ें हैं। सेटलमेंट भी होने के चांसेस ब्राइट है, हालांकि अंदर की ओर से भी रेखा आ रही है जो फैमिली कनेक्शन, बॉन्डिंग अच्छा बताती है। और लाइफ लाइन के साथ साथ जो गार्जियन एंजल लाइन यहाँ चल रही है, ये एक प्रकार के सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट करती है। अभी तक आपको दूसरों का सहयोग इतना अच्छा नहीं मिला होगा सिवाय पेरेंट्स के, लेकिन आगे चल के इन फ्यूचर इन द एज ऑफ 24 और उसके बाद आपको सपोर्ट मिलना भी दूसरों का बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण लाइफ में जो ट्रबल है उसमें कमी आएगी और जो भी आपके एम्बिशन है वो भी फुलफिल होने वाले रहेंगे। मंगल की ओर से ही रेखाएं ज़्यादा आपको आकर के लाइफ लाइन पर दबाव डाल रही है, तो एक तो सबसे पहले अपने हेल्थ पर ध्यान दें, जो मूड स्विंग होता है आपका उस पर ध्यान दें, क्योंकि मूड स्विंग में गुस्सेल स्वभाव भी आता है, तो कहीं ना कहीं आपका गुस्सा ख़राब है यहाँ साफ साफ दिख रहा है, और एग्रेशन में आप क्या कर जाते हैं ये आपको भी नहीं पता है। तो एक तो एग्रेशन, बाहर का खाना, यानी हेल्थ पर अच्छा ध्यान आपको देना रहेगा, कोई भी चीज़ में जल्दबाजी हड़बड़ी ना करें, सोच विचार करके कार्य करें, और किसी भी चीज़ के लिए बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाना या इरिटेट हो जाना या बहुत जल्दी गुस्से, आक्रोश में आ जाना, उससे भी आपको बचना है, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं ये राहु नहीं है, ये मंगल की रेखाएं हैं। इसीलिए अंदरूनी मंगल यहाँ ठीक है आपका, यहाँ से भी आपकी हल्की सी रेखाएं निकली है मंगल की और जो बताती है प्रॉपर्टी के योग, तो प्रॉपर्टी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बाहरी मंगल भी डेवलप अच्छा है, तो देखिए वही है, गुस्सेल स्वभाव है, लेकिन वही वाली बात है कि तलवार म्यान में है। जब बाहरी मंगल इस प्रकार से अत्यधिक विकसित होता है तो व्यक्ति बहुत सहनशील भी देखने को मिलता है, उत्तेजित देखने को मिलता है, आपके अंदर एक प्रकार का जुनून, हौसला, ये सब बहुत अच्छा है, किसी से मिलेंगे बहुत जुनून के साथ, तो ये सारी क्वालिटीज़ है, उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करें आप तो बहुत अच्छा आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो अंदरूनी मंगल ठीक है, हेल्थ भी ठीक रहेगा, मानसिक बल आपका मजबूत है, शुक्र माउंट अच्छा एरिया एरिया ले रहा है, तो खर्चीला स्वभाव आपके अंदर ज़्यादा है, साथ ही साथ लग्जीरियस लाइफ की चाहत भी ज़्यादा रहेगी, दिखावटी चीज़ों की चाहत भी ज़्यादा रहेगी, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, ये सारे चीज़ होने के योग हैं। बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौक भी आपको रहेगा और हर प्रकार के इन्जॉयमेंट को करना, इस प्रकार के योग भी आपके देखने को मिल रहे हैं। शुक्र में आड़ी रेखा ज़्यादा है तो अपोजिट जेंडर से रिलेटेड थोड़े टेंसड आप ज़्यादा हो सकते हैं, अपोजिट जेंडर से ही नहीं फैमिली से रिलेटेड भी थोड़े से टेंसड आप ज़्यादा हो सकते हैं। ये बेसिकली ओवर थिंकिंग को बताता है, जिसके कारण ये अननेसेसरीज वरीज आ जाती हैं, तो किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें या फिर ओवर थिंकिंग भी बेफिजूल की बातों का ना करें, क्योंकि उससे अननेसेसरीज वरीज आएगी और वो इस प्रकार से आपको टेंस्ड कर सकती है। केतु माउंट अच्छा है, स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ भी आपके अंदर बेस्ट देखने को मिल रही हैं, तो आगे चल के ऑकल्ट साइंस में भी आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला रहेगा। और यहाँ से निकल के ये रेखा चंद्र पर भी
यहाँ पर आ रही है, तो किसी चीज़ के एडिक्शन को भी ये इंडिकेट करता है, किसी चीज़ का लत लग सकता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और यहाँ की जो थोड़ी आड़ी रेखा इस प्रकार से चल रही है, ये भी इमोशंस फीलिंग्स में बार बार चेंजेस को बताता है, मन बार बार कहीं ना कहीं विचलित हो जाना, बेचैनी होना, उसके योगों को भी यहाँ पर ये बताता है। तो थोड़ा वर्क, जैसे मैंने कहा मेडिटेशन, बस ये मेडिटेशन करेंगे आपको ऑटोमेटिकली सारे रास्ते क्लियर होते जाएंगे, और यहीं से मून लक लाइन भी निकली है तो फ़ौरन से कनेक्शन होने के चांसेस भी आपके ब्राइट हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।